तो देवघर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक, सुबह 10 बजे प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होगी, दोपहर 2:30 बजे से बैठक का विधिवत उद्घाटन। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास समेत कई दिग्गज इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज इसमें मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे प्रदेश के पदाधिकारियों की ये बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। दोपहर 2:30 बजे से बैठक का विधिवत उद्घाटन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज इसमें मौजूद रहेंगे। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय की ये बैठक और सुबह 10 बजे प्रदेश के पदाधिकारियों की ये बैठक होगी, दोपहर 2:30 बजे से बैठक का विधिवत उद्घाटन। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में ये बैठक, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज इसमें मौजूद रहने वाले हैं। देवघर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 10 बजे प्रदेश के पदाधिकारियों की एक बैठक होने वाली है, दोपहर 2:30 बजे से बैठक का विधिवत उद्घाटन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सुबह 10 बजे प्रदेश के पदाधिकारियों की ये बैठक होगी, दोपहर 2:30 बजे से बैठक का विधिवत उद्घाटन होना है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुबोध गुप्ता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। सुबोध, देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्या जानकारी अभी इस बैठक को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक देवघर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर केंद्र के ही गणमान्य नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बोले जाते हैं, वह शामिल होंगे। और प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और झारखंड के सभी जिलों के अध्यक्ष और केंद्रीय नेता यहां पर शामिल होंगे। और यह शीर्ष नेताओं की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, इसमें रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव पर तैयारी की जाएगी और समीक्षा भी की जाएगी कि झारखंड के आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में किस तरह से सीटें हासिल की जाए और नए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि झारखंड में जो जिला अध्यक्ष का कार्यकाल है वो समापन की ओर बढ़ रही है, जिसकी भी तिथि निर्धारित की जाएगी कि जिला अध्यक्ष की चुनाव कब कराई जाएगी और कैसे मनोनीत करने का प्रक्रिया होगा। सुबोध, और कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है? जी, मैं बता दूं कि इस बैठक में जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे मुख्य रूप से, और पार्टी के जो आला कमान है, जैसे झारखंड प्रभारी भी शामिल होंगे, झारखंड बिहार के प्रभारी शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी शामिल होंगे, और झारखंड के विशेष जो राजनीति महकमा है और जो विपक्ष की भूमिका है और आगामी विधानसभा चुनाव जो 2024 में तय किया जाएगा वो किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, इसे देखते हुए कार्य समिति की बैठक की जा रही है। बिल्कुल, चलिए सुबोध, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।